हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो जनरली दोस्तों हर स्टूडेंट के लिए होने वाली है, भले ही अगर आप अभी क्लास 10th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए या करने वाले हो, क्लास 12th में हो या फिर ड्रॉप ईयर में हो, बिकॉज ये ऐसी कुछ मिस्टेक्स है जो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा जो कहीं ना कहीं हर बच्चा करता है। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन हिट कर दो, क्योंकि आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे अगर आपको कोचिंग में कोई भी असाइनमेंट या होमवर्क मिलता है तो आप क्या करते हो? तो जनरल आंसर वुड बी कि भैया मैं उसी समय दो क्वेश्चन कर लेता हूँ जैसे सर क्वेश्चन असाइनमेंट देते हैं, उसके बाद जैसे ही ब्रेक होता है दो लेक्चर्स के बीच का, उसमें दो क्वेश्चन और निपटा लेता हूँ, और इस तरह घर जाने के पहले मेरा आधे से ज़्यादा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड आपको ऐसा फील होता है कि अब तो मैं सारे बच्चों से आगे हो गया। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। बट दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि मैक्सिमम जेईई या नीट एस्पिरेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जिस तरह हमारी प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हमेशा हमारे फाइनल एम, हमारी फाइनल एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के होनी चाहिए। हमारी फाइनल एग्जामिनेशन एक 3 घंटे का पेपर होने वाला है, एंड जे एडवांस में बोला जाए तो 2 पेपर 3-3 घंटे के होने वाले हैं, जिनमें हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम उठ के वॉशरूम तक चले जाएं या कहीं किसी और चीज़ में ध्यान लगा लें। पर हम असाइनमेंट करने के दौरान क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक ले लेते हैं या उनको किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लेते हैं, एंड इनके कारण हमारी फोकस और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी असाइनमेंट है, जो भी होमवर्क हमें कोचिंग में मिल रहा है, उसको घर आना है, एक टाइम लिमिट सेट करनी है। अगर वो 10 क्वेश्चन हमें मिले एंड सर ने कह दिया है कि ये जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो अराउंड 2 to 2.5 मिनट का टाइमर लगाओ, 25 मिनट का टाइमर लगा के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, देन उनके आंसर चेक करो। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड मिस्टेक, बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करा उसके बाद फटाफट उसका आंसर देख लिया, या वो क्वेश्चन नहीं बना तो फटाफट बुक पलटा के उसका सॉल्यूशन चेक कर लिया। बट दोस्तों, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्लास 11th में करी थी, एंड ये चीज़ मुझे समझ आई थी क्लास 11th की एंड में, जब वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी कि ये चीज़ के कारण तुम्हें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और तुम्हारी एक्यूरेसी इसी चीज़ के कारण ख़राब हुई है। बिकॉज दोस्तों, हमारी एग्ज़ाम में 3 घंटे तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि आपने जो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है वो सही था या गलत, पर हम हमारे असाइनमेंट में उस चीज़ को बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं करते हैं। और कोई क्वेश्चन हुआ वैसे उसका आंसर चेक कर लिया, और कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन देख लिया, एंड काइंड ऑफ ये हमारी मेंटालिटी बन जाती है, हमारी हैबिट में आ जाता है। और एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हम पैनिक कर जाते हैं यार कि हमसे पेपर नहीं बन रहा, बाकी लोगों से बन रहा होगा। पर अगर हम उसी एनवायरनमेंट को घर पर क्रिएट कर दें तो हमारे लिए एग्ज़ाम एक नॉर्मल डे की तरह होगी हमारे शेड्यूल की, जो कि हम लोग रोज फॉलो कर रहे होंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कोशिश करो कि घर पे भी आप 3 घंटे लगातार बैठो, और स्टार्टिंग में अगर आपसे 3 घंटे नहीं बैठे बन रहे तो स्टार्ट विथ 2 आवर्स, और बाकी धीरे धीरे करके उसको 3 घंटे तक एक्सटेंड करो। पर ध्यान रखना कि हमें 3 घंटे तक तो उस स्लॉट को कैसे भी इंक्रीज करना है, एंड उस 3 घंटे में कोशिश करो कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे हो और कोई भी क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो। एज सुन एज वो 3 घंटे खत्म होंगे, हम अच्छे से आंसर्स चेक करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बने उनका सोल्यूशन देखेंगे कि वो क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हमें स्ट्राइक नहीं हो रहा था, एंड उन कॉन्सेप्ट्स पे इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ज़रूर से ध्यान रखो। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड मिस्टेक। दोस्तों, कभी भी आपको कोई असाइनमेंट मिलता है तो आप आते हो घर, उसे सॉल्व करते हो, देन वो असाइनमेंट को साइड रख देते हो, देन आगे आपका कोर्स प्रोसीड हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोग एक बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम वापस उस असाइनमेंट के अच्छे क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन को रिविजिट नहीं करते। तो दोस्तों, हमें ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम पढ़ के आते हैं और उसी दिन उसी टॉपिक का असाइनमेंट करते हैं, तो जब हमारे कंसेप्ट फ्रेश रहते हैं, सारी चीज़ें हमारी दिमाग में लाइव रहती है, एंड उस समय तो वो क्वेश्चन आराम से हमसे बन जाता है। बट अगर हम उस क्वेश्चन को 2 हफ्ते बाद उठाएं तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट हम हल्के हल्के भूलने लगते हैं, तब उस क्वेश्चन को करें तो तब हमें इन रियलिटी पता चलता है कि वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है
कि जब भी आपके मॉक टेस्ट हो रहे हो कोचिंग में या खुद से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो टॉपिक्स उन मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उनके मार्क क्वेश्चंस को ज़रूर रिविजिट करो, एक बार ट्राई करके देखो रफ में कि आपको उनका थॉट स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं, आप उनको ढंग से अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, एंड इससे आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी 3 मिस्टेक्स जो कि कहीं ना कहीं हर बच्चा कर रहा होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी होगी, तो इन पे ज़रूर से इम्प्रूव करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस लाने के लिए। तो खूब पढ़ो यार और मचा दो।